वेलकम दोस्तों, आज हम ट्रेल फाइव पे आए हैं और ट्रेल फाइव पे आप समझ लें कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। और इस वक्त मैं अपना मोनोपॉड यूज़ कर रहा हूँ और कैमरा बॉडी के साथ मैंने 16mm लेंस लगाया हुआ है। और मेरे साथ एक बहुत अच्छे मेरे कोलीग हैं और ये वेडिंग एक्सपर्ट हैं, वेडिंग फोटोग्राफी के एक्सपर्ट हैं। इनके साथ मुझे खुद भी काम करने का इत्तेफाक हुआ है, माशाल्लाह इनका काम देखने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करूंगा, काइंडली आप वो ज़रूर देखिएगा। ये हैं हारिस भाई। हेलो हारिस भाई। हाय, हाउ यू? फाइन, आप ना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। पसीना लगता है आपको ज़्यादा आया हुआ है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है आज। नहीं, जो आज का जो मौसम है बहुत हॉट और ह्यूमिड है और ये अगस्त का महीना चल रहा है, मेरे ख्याल है सूट नहीं करता हाइकिंग के लिए। और हाँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी अब दरख्तों में और ज़्यादा हो गई है। हम तो निकले भी अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock। यार नहीं, अगर हम जल्दी आते तब भी यही कुछ ही होना था यार। अगर हम आ जाते 6 बजे भी आ जाते तब भी यही कुछ होना था। टॉपिक है COVID-19 के बाद वेडिंग फोटोग्राफर्स का क्या हिसाब चल रहा है, किस तरह से वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे आज। हारिस भाई, आप तो मेरे ख्याल फुल टाइम वेडिंग फोटोग्राफी में है। जी, वैसे मुझे ऑलमोस्ट 5 years होने वाले हैं। अच्छा, वेडिंग फोटोग्राफी में। ठीक है, प्रोफेशनली स्टार्ट किए हुए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मसला गोइंग वेल। बट ये कोविड की सबको पता है, मार्च लेके अभी तक जो है सारे हॉल मार्केट वगैरह सब कुछ बंद हुए हुए हैं। तो इस दौरान आप लोग क्या करते रहे हैं? रेस्ट घर पे। बिल्कुल, मैं भी इस दौरान फैमिली के साथ ही लॉकडाउन में रहा हूँ और मेरे ख्याल मेरा वेट ही बढ़ा है अभी, सबका वेट बढ़ा है। वैसे असल में इसमें हमें टाइम मिल गया ज़्यादा ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने का। अच्छा, एडिटिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वगैरह प्रैक्टिस करने का। तो जो चीज़ें पहले हमें रेगुलर्स में काम करने में नहीं मिल रही थी। ठीक है, ये हम लोग टाइम इस फैमिली को भी दे दिया टाइम, फिर अपना भी बीच में काम, ये लर्निंग का बेसिकली। देखिए फोटोग्राफी जो है ऑल अबाउट लर्निंग। आप कभी भी ये नहीं जैसे कि मैं एक्यूरेट हो गया हूँ, आपको एंड तक इसमें लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। मैं स्टिल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम आता है, बट स्टिल मैं मुझे कहीं से नई चीज़ मिलती है तो मैं उसको सीखता हूँ या ज़्यादा यूट्यूब करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारा काम जो है यूट्यूब से सीखा है। थोड़ा सा ये भी सबक सीखना चाहिए कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है? मैं कह रहा हूँ वेरी ट्रू। एक के ऊपर आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट साथ जब ऑल द फैमिली को रन कर रहे हो। इस COVID-19 में तो सब कुछ ही धर्म भरम हो गया था, कोई भी इवन फ्रीलांसिंग भी, वो भी धर्म हो गई, क्योंकि जो भी कंपनीज थी ऑनलाइन, जो कंपनीज थी उन्होंने अपना ऑपरेशन वर्क तरफ जारी रखा था, प्रोडक्टिविटी की तरफ उन्होंने फोकस कम कर दिया था, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी और सिर्फ ऑपरेशन ही चलाने के चक्करों में थे। कोई ना कोई कंपनी जो भी थी ऑनलाइन वो यही कोशिश कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही चलते रहे। सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा थे ना, आपको पता है जब इसका स्टार्टिंग में मार्च में स्टार्ट हुआ तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था हर चीज़ के ऊपर, बट ग्रेजुअली अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें कम होना शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है काफ़ी हद तक कम होगी, आज हम लोग बाहर बैठे हुए और फ्रीली बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बट शुरू में जितना इसका इम्पैक्ट था और सारा कुछ था तो ऑब्वियसली आप नहीं उस चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते थे। अपनी सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम करना ही था। तो अब मेरा ख्याल है कोई हालात कुछ शायद बदल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि खुलने वाले हैं शादी हॉल वगैरह। सुनने में तो ये है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर से जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ चीज़ें जो है नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ पूछने लगा हूँ आपसे, वो ये मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि आपका गियर क्या है, मोस्टली आप कौन सा गियर यूज़ करते हैं? या अगर किसी एक और जो बड़ा जो कॉमन क्वेश्चन है, एक आम बंदा अगर पूछे कि यार वेडिंग फोटोग्राफी में अगर वो इन होना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए या किस किस्म का गियर लेना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? ठीक है, तो पहले तो आप मुझे आप काइंडली बताएं कि आप मोस्टली, वो तो हम बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, आप बहुत चीज़ें यूज़ करते होंगे, गियर भी आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, मगर जो मोस्टली जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वैसे मेरी जो बेसिक स्पेशलिटी है ना कैंडिडो पोर्ट्रेट्स है, तो मैं उसके लिए मेरे पास जो बॉडी है दैट इज़ 5D Mark IV कैनन की फुल फ्रेम बॉडी है और जो लेंस मैं यूज़ करता हूँ 7200 2.8 IS2 जो इट्स वेरी शार्प LC का लेंस है और बहुत शार्प है, स्पेशली पोर्ट्रेट्स और कैंडिड के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंस। और मैं तो यही कहूँगा कि ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट, कि आप जब स्टार्ट करते हैं आपका बजट कितना है। मैंने बिल्कुल स्क्रैप से स्टार्ट किया था, बिल्कुल नॉर्मल बॉडी से, फिर ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ जो है जिस तरह काम अपग्रेड होता गया, लर्निंग प्रोसेस चलता रहा, काम आता गया, मैंने उसके बाद चीज़ें अपग्रेड की हैं। क्रॉप बॉडी हम नहीं ले सकते? वैसे भी प्रेफर नहीं मैं करूँगा क्रॉप बॉडी, वजह रीज़न शेयर करें ना। वैसे भी आपको ना वो रिजल्ट, वो फील नहीं आती फोटो की, मगर क्रॉप बॉडी भी तो 20+ megapixel की आ रही हैं यार।
अब आज शुरू हुई है ना जिस टाइम हमने स्टार्ट किया उस टाइम मगर जो फुल फ्रेम यूज करता है वो फिर भी नहीं लेता क्रॉप बॉडी। अब ऐसे देखिए बात सारी वही कौन सा प्रो तो है यानी कि उसमें सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूं कौन सा प्रो तो है। अब जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है ठीक है उसमें क्रॉप बॉडी आपको थोड़ा और फोकल लेंथ या थोड़ा और रीच आपको दे देती है। देखिए वाइल्डिंग में एक सेपरेट अलग फील्ड आया है बिल्कुल वेडिंग टोटली डिफरेंट फील्ड है। तो वेडिंग मैं तो वेडिंग उस पर आपको प्रेफर करूँगा कि मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँगा ना मैं कहूँगा एटलीस्ट फुल फ्रेम बॉडी हो तो मेरे साथ काम करना। अच्छा रिलायबिलिटी ज़्यादा है यानी कि उसमें आप कहते हैं कोई गलती का कोई चांस नहीं होता फुल फ्रेम में रिजल्ट है। मैं स्टिल अगेन कहूँगा आई एम नॉट परफेक्ट मैं स्टिल लर्निंग प्रोसेस में हूँ बट ये है कि आप कह लें परफेक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं अगर आप फुल फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हो। जो फुल फ्रेम बॉडीज हैं वो लो लाइट में ज़्यादा परफॉर्म बेहतर करती हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉप बॉडीज उनमें सेंसर साइज छोटा है वो तो बिल्कुल हाँ। देखें फिर आप उसकी जब डिटेल में जाएंगे ना ISO सारा कुछ हाँ। वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं ठीक है। तो आप में ये है कि ISO आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी वो ऑब्वियसली ग्रेन्स आना शुरू होती हैं पिक्चर्स के ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे लोगों को समझ नहीं आएगी। सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फुल फ्रेम बॉडी लेनी हो हम तो हम दोनों कैनन के यूज़र हैं ठीक है ना। नाइकॉन का मुझे आइडिया नहीं शायद आपको हो मैंने नाइकॉन कभी यूज़ नहीं किया बट नाइकॉन अलग उसकी तो फुल फ्रेम में मेरा ख्याल है अगर कोई लेना चाहे तो कौन सी 60 आएगा 60 स्टार्टिंग 60 से ही होगा 60 से ही होगा ना और 60 बहुत अच्छी बॉडी है क्योंकि मेरे पास भी 60 है तो 60 जारी बात है बहुत अच्छी। मैंने जो चीज़ पढ़ी थी हर्ष भाई आप पता नहीं आप उसको एग्री करें या ना करें जो 60 और 5D मार्क 3 जो बॉडीज़ हैं इन दोनों की लो लाइट परफॉर्मेंस एक जैसी मैंने पढ़ी थी अब मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं। ये है कि जो प्रोसेसिंग पावर जो है ना वो 5D मार्क 3 की बहुत अच्छी है वो एकदम से पकड़ लेता है और उसके फोकस पॉइंट ज़्यादा हैं मगर 60 का ये है कि लो लाइट परफॉर्मेंस या नॉइज़ परफॉर्मेंस जो है ना वो 5D 3 के मुकाबले की है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट 5D जो है एक नेक्स्ट लेवल मशीन है वो तो प्रोफेशनल मैं तो 5D सीरीज को 6D से कंपैरिजन कर नहीं सकता वो तो ठीक है वो ठीक है मगर ये है कि 6D का साइज छोटा है और पोर्टेबल ज़्यादा लगता है लाइट वेट है लाइट कंपेयर टू 5D बिल्कुल 5D सीरीज थोड़ा हैवी है वेट में। अच्छा अब आप बता दें लेंस के बारे में अगर किसी ने बहुत बेचारा लो बजट मेरे जैसा बंदा हो ठीक है और वो वेडिंग मैन हो चलो 6D ले लिया अब उसको लेंस क्या एक लेना चाहिए दो लेना चाहिए अगर लेना चाहिए एक तो कौन सा अगर दो लेना चाहिए कौन से ले मेरे जेन में भी कुछ है पहले आप बताएं। वैसे मैं तो वही सजेस्ट करूँगा कि एक आपका वाइड एंगल लेंस होना चाहिए एक आपका स्पॉटेड लेंस होना चाहिए बिल्कुल अगेन वही बात आई थी आपका बजट कितना है ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वैरायटी ऑफ लेंसेज जो हैं वो यूज़ करें ठीक है। ये कि आपके काम डिफरेंट भी होगा स्टाइल भी होगा आप काम करने का मज़ा भी आएगा बट स्टिल बात अगेन वहीं पे आती है आपका बजट कितना है। अगर बहुत कम है तो आप एक लेंस ले लें और आप पहले एक लेंस कोई भी ले लें कौन सा वैसे फिर अगेन वही बात है कि आप क्या करना चाह रहे हैं आप ग्रुप करना चाह रहे हैं कैंडिडेट्स करना चाह रहे हैं पोर्ट्रेट फोटो बनना चाह रहे हैं जैसे मैं हूँ मुझे पर्सनली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पसंद है या कैंडिडेट पसंद है मगर जब आप प्रोफेशन में हो तो आपको कोई भी काम करना पड़ता है एग्जैक्टली है ना एग्जैक्टली इसलिए फिर तैयार रहना चाहिए। आप वही बात होती है कि आपका बजट कितना है आप उस सारे लेंजेज जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं अगर आप कर सकते हैं तो गो फॉर 2470 कैनन का 2.8 लेंस जो है वाइड 2.8 है तो वो उससे आप पोर्ट्रेट भी निकाल सकते हैं वो पोर्ट्रेट यानी 50 mm जो उससे मैक्सिमम आप पोर्ट्रेट से गुजारे वाले निकाल लेंगे आपका काम चल जाएगा काम चल जाएगा एक लेंस से ही सारा इवेंट आप कर लेंगे कर सकते हैं बट फिर वही कि अगर आपने अच्छा काम करना है डिफरेंट करना है तो आपका वैरायटी ऑफ लेंसेज होना बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट आपके 3 लेंसेज लाजमी हों वाइड उसके अलावा पोर्ट्रेट लेंस फिर आपका जूम लेंस ठीक है। मैं प्रेफरेबल ये करता हूँ एटलीस्ट 3 लेंसेज आपके पास लाजमी होने चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हारिस भाई क्या हमें कोई लाइट का नहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वेडिंग में लाइट भी हमें बहुत ज़रूरी होती है क्या हम लाइट के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं वेडिंग में। वैसे अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फोटोग्राफी कर रहे हैं आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है ठीक है। आप अवेलेबल लाइट पर कर रहे हैं मोस्टली फोटोज मैंने देखे हैं जो अवेलेबल लाइट पर भी काम करते हैं वो अलग उसकी बनाते हैं थीम और जैसे हम लोग जो हैं लाइट एक्सटर्नल लाइट यूज़ करते हैं ठीक है। इसके लिए स्टार्टिंग में हम लोग फ्लैश गन्स यूज़ करते थे अब जो हैं हम लोग स्ट्रोब्स के ऊपर आ गए हैं स्ट्रोब एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है बट ये है कि उसको लेके फिरना काइंड ऑफ ए ट्रिकी थिंग कि आपको लाइट से ब्राइट की एंट्री हो रही है तो आपको उसको भी साथ कैरी करना है लाइट को शॉर्ट्स भी लेने हैं कुछ चीज़ें मिस भी ना हो तो उसके साथ आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है। बट ये है कि लाइट इज़ अ गुड थिंग
आपकी पिक्चर में जो है क्लैरिटी आती है, प्लस उसमें आपको लाइट साथ प्ले करने खेलने का मौका मिलता है. आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लाइट साथ कर सकते हैं, तो लाइट ऑब्वियसली ज़रूरी है. बट वही बात है कि आप पहले सिर्फ कैमरा ख़रीद के फ्लॉपर ना बन जाएं, उसको सीखें, उसको लर्न करें. ऑनलाइन हर चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है. नहीं समझ आती किसी से पूछ लें, नहीं कोई बता रहा, हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई है. आप सब गूगल करें, यूट्यूब करें, आपको हर चीज़ का ट्यूटोरियल वहाँ से मिल जाएगा, एडिटिंग से लेके कंपोजिशन हर चीज़ का. तो मैंने वैसे खुद जो है सारा यूट्यूब सीखा था, स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब से की थी. बेसिक सीख सीख के फिर आर्टिकल्स पढ़ें, हर चीज़ पर मौजूद है. सिर्फ ये नहीं कैमरा खरीदाओ बस एक वेडिंग के छः लोग जो हैं घर के कैमरा उठा के तो फोटोग्राफर बन गए. अच्छा, अब बड़ा एक कॉपर्ट सा सवाल है. ठीक है, कोई बंदा है वो भी एजुकेशन से फारग हुआ और उसको बहुत शौक है फोटोग्राफी का, क्या उसको फुल टाइम इस प्रोफेशन में आना चाहिए? और इन अदर वर्ड्स, बड़े सिंपल वर्ड्स में, पैसा है लिविंग के लिए, गुजारा हो जाता है एक फोटोग्राफर करने के? मेरा बड़ा फर्म बिलीव है जो आपके सीन में लिखा हुआ ना वो आपको मिल के रहना. अगर आपका इसके थ्रू लिखा हुआ तो आपको इसके थ्रू मिलेगा, अगर आप कहीं और लिखा हुआ तो आपको कहीं और मिलेगा. बट आई प्रेफर कि आप किसी एक स्किल के ऊपर जो है डिपेंडेंट ना हो. आपके पास बात हुई जो हमने पहले की थी, आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए. खुदा ना खास्ता अगर आपका एक जगह से बंद हो रहा है तो आपका जो वे ऑफ अर्निंग है वो कोई और बन जाए. ठीक है, बट सबसे पहले स्टडी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, स्टडी इज मस्ट. मैंने देखा ज़्यादातर लोग स्टडी के बगैर आ जाते हैं. मैंने वैसे भी डिग्री के बाद स्टार्ट किया था, जब जॉब शॉप नहीं मिली थी उसको मैंने डिग्री करके फिर मैं फील्ड में आया था. माशाल्लाह, क्या पढ़ा हुआ आपने? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ. मास्टर्स कर रहे हैं अभी, चल रहा है मास्टर्स. और यू आर सेटिस्फाइड विद दिस प्रोफेशन? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मेरा ब्रेड एंड बटर चल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड. बट वही बात है, देखें वैसे भी इतने टाइम लगाने के बाद, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब जाके वो फिर आप यू टर्न भी नहीं ले सकते. अगर आप चाहते हैं इतना टाइम लगाने, स्किल भी ली, इसको स्टडी भी किया, इन्वेस्टमेंट भी की इक्विपमेंट के ऊपर, फिर दोनों साथ धक्के भी खाए, रगड़े भी खाए, क्योंकि अब जाके जो है इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं हम लोग. तो मतलब लिंक्स भी हैं, काम भी अच्छा है, लोगों को पसंद भी है, तो अब जाके हम जो इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं कि यार इससे अर्निंग है. और सेकेंडली, इफ़ कोई भी कोई चीज़ सीखना चाहता है, नहीं समझ आ रही, तो गाइस कैन आस्क मी या वैस पैसे. वेडिंग फोटोग्राफी में वीडियोग्राफी भी होती है और फोटोग्राफी भी. मैं कल आप स्टिल फोटोग्राफी में मैं ज़्यादा मुझे पसंद स्टिल्स हैं. स्टिल है, मगर आपको आइडिया तो होगा कि अगर कोई बंदा चूज़ करना चाहे कि वेडिंग में वो वीडियोग्राफी की तरफ जाना चाह रहा है या फिर स्टिल फोटोग्राफी की तरफ जाना चाह रहा है, दोनों में थोड़ा सा बेसिक फ़र्क बता दें या इक्विपमेंट में कोई फ़र्क है वो बता दें, क्योंकि फिर जारी बात है उसने लर्निंग कर्व डिफरेंट हो जाता है. स्टिल में डिफरेंट होता है, वीडियोग्राफी में डिफरेंट होता है. बिल्कुल, या इसमें कोई आसान या मुश्किल वाली चीज़ है या कुछ थोड़ा सा आइडिया बता दें न्यू कमर्स के लिए? कुछ भी नहीं है, अगर आपको आता है तो मुश्किल नहीं है, नहीं आता तो फोटोग्राफी मुश्किल है, वीडियो भी मुश्किल है. ठीक है, बात सारी ये है कि आप कितनी एफर्ट उसमें लगा रहे हैं, आप कितना उसको लर्न कर रहे हैं. अगर आपको वीडियो का शौक है तो आप वीडियो को लर्न करें. मुझे आजकल शौक आपको देख के वीडियो का शौक चढ़ा है, तो मैंने आजकल ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना फिर से स्टार्ट किए. मैं आफ्टर एजेस मैं जो दोबारा मैंने इस लर्निंग प्रोसेस में आया हूँ, मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किए देखना वीडियो के लिए कि उसमें आपका एंगल्स किस तरह आपने रखने हैं, आपने कैमरा मूव किस तरह करना है, उसकी सेटिंग्स. मैं फिर वो डिटेल में नहीं जा रहा, सेटिंग्स क्या रखनी है. तो मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है. जिस पे भी आप करें, इक्विपमेंट में फ़र्क हो जाता है इन दोनों में? माइनस है, नहीं इतना नहीं है. ठीक है, मतलब वही लेंजेज हैं, कोई एक आध डिफरेंस होता है. ठीक है, जो उसकी स्पेसिफिकली स्टेबलाइजर वगैरह चाहिए होगा या कुछ ऐसी कोई चीज़ चाहिए होगी, मतलब माइनर इतना डिफरेंस नहीं है. आप फोटोग्राफी इक्विपमेंट जो है वो वीडियो पर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वेडिंग्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, और डिमांड दोनों की एक जैसी है, स्टिल और वीडियोग्राफी की या फर्क है? ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि अर्निंग भी दोनों की एक जैसी है? एक जैसी है, ऑलमोस्ट एक जैसी है. ठीक है, पाकिस्तान में एक जैसी है, बाहर के मुल्कों में डिफरेंट होती है. बाहर के मुल्कों में वीडियो की ज़्यादा आपको, अच्छा वीडियो का ज़्यादा होता है, उसकी ज़्यादा वर्थ है वीडियो. बट यही है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं. ठीक है, जस्ट सिंपल कैमरे को रोटेट करना जो है वो हर कोई कर लेते हैं. बिल्कुल, आपके एंगल्स हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. ठीक है, रिप्रेजेंट आया था वॉइस का. अच्छा, जंगली मुर्गा. अभी एक और भी होगा पीछे पीछे भाग रहा है. ओह हाँ, एनी वे हमें इस टाइम अभी एक बॉयल्ड फिजन नज़र आया था जिसे जंगली मुर्गा कहते हैं. हमारी तवज्जो उस तक
उस तरफ चली गई और हम वो देखने लग गए कि वाइट फिजल्ट आया, उसको देख ले यार, जो आप फोटोज लेते हैं ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग फोटोज लेते हैं वेडिंग में वो सारी रॉ फॉर्मेट में होती है बिल्कुल, और हमें थोड़ी बहुत पोस्ट प्रोसेसिंग या एडिटिंग करनी पड़ती है, वो भी हमें शायद सीखना चाहिए ठीक है, अगर सीखना चाहिए तो कौन से टूल यूज़ करें या कोई भी यूज़ करें, उसकी थोड़ी सी आप कुछ टिप्स या ट्रिक्स वगैरह बता दें कि क्या किस तरह से आगे लेके जाएं, हमने इवेंट में फ़ोटो लेनी है अब आगे क्या करने हैं। देखिए थोड़ी सी हमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग की जरूरत है फोटोज में, स्पेशली वेडिंग्स में, ब्राइड पे, ग्रूम पे, गेस्ट पे, हर किसी पे। तो मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, एडोब फोटोशॉप ठीक है, सीसी, और कुछ लोग जो है लाइटरूम यूज़ करते हैं, कुछ अडोब यूज़ करते हैं, हर एक अपना डिफरेंट स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल, काम दोनों का सेम है बट स्टाइल डिफरेंट है। बिल्कुल, प्रोडक्ट भी एक ही कंपनी की है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उस पर जो है आपके टूल्स अच्छे फोटोशॉप में, कुछ लाइटरूम पर हैं, तो दोनों हैं सेम चीज़ें, डिपेंड कि आपको क्या चीज़ ईजी लग रही है। मुझे फोटोशॉप ईजी लगता है, मैं फोटोशॉप पे काम कर लेता हूँ, कुछ लोगों को लाइटरूम अच्छा लगता है लाइटरूम पे कर लेते हैं। हमेशा नेक्स्ट व्लॉग में ना इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे फोटोशॉप। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मुझे जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, आपने फोटोशॉप को बताया, फोटोशॉप जो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, लाइटरूम में जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो बैच प्रोसेसिंग है। बिल्कुल, यानी कि आप उसमें एक ही इफेक्ट, अक्सर होता है आप एक ही जगह फोटो खींचते होते हैं, वही इफेक्ट सब पे अप्लाई करते हैं और सबको रेंडर कर लेते हैं, ये चीज़ मुझे उसमें बहुत अच्छी हेल्पफुल लगती है, टाइम बच जाता है। बिल्कुल, टाइम एफर्ट दोनों बच जाते हैं। बिल्कुल, मेरी सीनियर से पूरी खराब होगी। हारिश भाई थैंक यू यार, आज आपने टाइम निकाला हमारे साथ गपशप के लिए, टाइम नहीं तो उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे, भागेंगे नहीं इंशाल्लाह, और आइंदा हम एक प्रैक्टिकल कोई पोर्ट्रेट वगैरह खींचेंगे। बिल्कुल, बेशक कोई मॉडल ना मिले, हम आपस में एक दूसरे की खींच लेंगे, कोई मसला नहीं है, इक्विपमेंट के साथ। बिल्कुल, आप मॉडल है ना? मुझे पता चला हरीश भाई मॉडल है। ये मॉडल के तो बड़े मुंह नहीं होते। तो नेक्स्ट टाइम आपने अगर हमें कंटिन्यू रखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि लाइट के साथ, नेचुरल लाइट के साथ किस तरह से पोर्ट्रेट्स लिए जा सकते हैं आउटडोर और इनडोर। तो कीप वॉचिंग अस, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।